दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है यूनिक इन्फॉर्मेशन आपके इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रिज की गंदी बदबू कैसे हटाएं, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेने वाले हैं। उसी के साथ जो फ्रिज का मेंटेनेंस है वो कैसे कम करें, फ्रिज की लाइफ कैसे बढ़ाएं, क्या खबरदारी बरतें, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों यदि आपके फ्रिज की गंदी बदबू आती है तो वो हटाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑरेंज और पुदीना, संतरा और पुदीना का जूस का इस्तेमाल करके आप ये बदबू हटा सकते हैं। क्या करने का है, आधा ग्लास आप ऑरेंज का जूस लीजिएगा और उसमें आधा कप पुदीना का जूस निकाल के डाल दीजिएगा और ये दोनों फ्रिज के अंदर रख दिए तो फ्रिज के अंदर की जो बैड स्मेल है वो पूरी तरह से निकल के जाती है। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल करते हैं कर सकते हैं ये गंदी बदबू हटाने के लिए। तो क्या करने का है, दो या तीन न्यूज़पेपर लेने के और वो फ्रिज के अंदर रख देने के। ये जो न्यूज़पेपर है ये पूरी तरह से बैड स्मेल को एब्सॉर्ब करते हैं और इससे गंदी जो बदबू है वो चली जाती है। उसी के साथ लेमन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों लेमन बहुत ज़बरदस्त है, आप क्या करें फ्रेश आधा लेमन कट करके फ्रिज में रखें, हर 15 दिन बाद ये आप करते रहें, 15 दिन तक एक आधा कटा हुआ लेमन काम करता है, इससे पूरी तरह से गंदी बदबू चली जाती है। उसी के साथ बेकिंग सोडा जो है खाने का सोडा, उसका इस्तेमाल भी हम इसके लिए कर सकते हैं। एक कटोरी लेने की है और उसमें आप ये बेकिंग सोडा डालिए और ये कटोरी फ्रिज के अंदर रख दीजिए, इससे पूरी तरह से बैड स्मेल चली जाती है। उसी के साथ ध्यान में रखिए कि आपका फ्रिज निरंतर चालू रखना चाहिए। यदि आप बाहर जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं और फ्रिज आप बंद करके चले जाते हैं तो इससे बैड स्मेल बहुत ज़्यादा निर्माण होती है, प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए आप रोज़ाना कंटिन्यूली आपका फ्रिज चालू रखें। उसी के साथ कॉफ़ी के सीड जो है उससे भी आप बैड स्मेल निकाल सकते हैं और आपके फ्रिज में खुशबू ला सकते हैं। तो इसके लिए क्या करने का है, ऐसे कॉफ़ी के बीज लाने के और एक कटोरी में डालने के और ये कटोरी फ्रिज के अंदर रख देने की है, पूरी तरह से बैड स्मेल चली जाती है। यदि फ्रिज आपका गंदा है और वो साफ़ करना है तो इसके लिए आप इस्तेमाल करें लेमन का जूस और इस्तेमाल कर सकते हैं बेकिंग सोडा जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। उसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं विनेगर और जो ऑरेंज है उसका जूस भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस सभी चीज़ों से आप आपका फ्रिज क्लीन कर सकते हैं। ऑरेंज जूस का आप इस्तेमाल ना करें, आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेमन जूस, ब्लीचिंग पाउडर और विनेगर। और दोस्तों कुछ सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है जिसके वजह से ये बैड स्मेल आती है, तो ध्यान में रखिए कि ये जो चीज़ें मैं आप बताने वाला हूँ वो आप फ्रिज में कतई ना रखें। इसमें टोमेटो है, गार्लिक है, ओनियन है, पोटैटो है, एवोकाडो है, वैसिल है, ब्रेड्स है, ऑलिव ऑयल्स है, हनी है, एप्पल्स, ग्रेप्स, बनाना, इस तरह की चीज़ें आप फ्रिज में ना रखें। यदि आपके फ्रिज में एक्सपायर हुआ कोई पदार्थ है तो वो तुरंत फ्रिज के बाहर निकालें। उसी के साथ जो गर्म चीज़ें हैं वो तुरंत फ्रिज में ना रखें, रूम टेम्परेचर उसका मेंटेन होने के बाद ही उसमें उसको फ्रिज में स्टोर करने के लिए रख दें। उसी के साथ एक महीने बाद या दो महीने बाद आप यदि आपके फ्रिज में ऐसा आइस जमा हो गया है, बर्फ जमा हो गया है, तो यहाँ पे एक स्विच रहता है, वो स्विच का आप इस्तेमाल करें और ये डिफ्रॉस्ट करके ये सभी जो बर्फ जमा हुआ है उसे ये करिए, आप मेल्ट करें। उसी के साथ यदि आप भाजीपाला लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से क्लीन करके पॉलीथीन में पैक करें और फिर वो फ्रिज में स्टोर करें। इससे बैड स्मेल प्रोड्यूस नहीं होती है और इसकी सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा बढ़ती है और ये बहुत सारे दिनों तक फ्रेश भी रहता है। उसी के साथ ध्यान में रखें कि फ्रिज का जो डोर है वो ज़्यादा देर तक खुला ना रखें, इससे भी बैड स्मेल प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि जो फ्रिज का डोर है वो काम होने के बाद तुरंत क्लोज करें। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, इससे आप पूरी तरह से आपके
फ्रिज की जो बैड्स मेल है वो निकाल सकते हैं और आपके फ्रिज के अंदर अच्छी खुशबू ला सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।